Madam. इसी के साथ मैं शुक्रिया हमारे जम्मू रूरल ए के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे साथ बैठे हैं और वीर सिंह मनहास जी वो तशरीफ लाएं टाइम का खास ख्याल रखें आइए रखें बाकी स्टेज पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से सीनियर निकालन सारे बाकी जिन्हें सुनाया कि बाबा कोम शेर कश्मीर स्वर्गीय शेख मोहम्मद करते हैं याद उन्हें ये लोग करते हैं जिन्हें किश अपने दुनिया वास्ते अपने लोकें वास्ते कुछ की तरह आज शेख साहब की सारी दुनिया कश्मीर है या जम्मू है हर एक जवान की क्या आवाज है कि जी अगली सरकार है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार नहीं है क्योंकि दुनिया लोकें दिखी लिया सारा झूठ कटे काम नहीं चलता झूठ जिन्ना मर्जी मारो झूठ कन्ने जा जेडी जात बलादरी चाहते पिछे लोकें की बंडने कन्ने नहीं काम चलता सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर गल करती है तो गल करती है डेवलपमेंट उपर गल करती है बेरोजगारी उपर गल करती है गरीबे दे कन्ने साथ देने पर मजदूर ही अपने कन्ने रखी गल करती है जेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस सारी जमात है ये सारे लोग अच्छी तरह जानते हैं ये मजदूरें दी किसानें दी गरीबे दी जमात है ये कोई बड़े शौकार जमात नहीं लेकिन आज इन्हें साबित कर लिया आज नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल की धड़कन समझकर उन्होंने 22 साल जेल में गुजारे इस इंसान की इज्जत को बहाल करने के लिए जो इज्जत 700 साल से पैरों तले रोंदी हुई वहां हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं था वहां इंसान का सवाल था जम्मू कश्मीर के इंसान का सवाल वो हिंदू हो मुसलमान हो जिस भी मजहब से ताल्लुक रखता हो जो भी अकीदा उसका हो वो उसका जाती मसला था लेकिन वो गुलाम था वो मजदूर था वो मकहूर था वो मायूस था वो मिट्टी में मिला हुआ था ना उम्मीद था उसके सामने कोई उम्मीद नहीं उसके सामने कोई मुस्तकबिल नहीं उसके सामने कोई रोशनी नहीं एक आदमी उठा उसने ये दर्द महसूस किया इस दर्द को अपने सीने में लेकर एक छलांग लगाई आग में और उस आग में 22 साल जलता रहा 22 साल जेल रहा नेल्सन मंडेला जिनसे मेरी मुलाकात हुई है 27 साल जेल में रहे शेख साहब 22 साल जेल में रहे मतलब इतना था सिर्फ ये सिख ये हिंदू ये मुसलमान ये दलित ये पिछड़ा हुआ ये गरीब ये किसान ये मजदूर ये मुलाजिम ये तालिबे इल्म ये मेहनत कश पिसा जा रहा है लूटा जा रहा है इसको आवाज नहीं है इसके अल्फाज नहीं है इसके दिल है धड़कता नहीं है इसका खून है गर्मी नहीं है इसका जिस्म है हरारत नहीं है इसका दिमाग है सोच नहीं है इसकी जबान है अल्फाज नहीं है इसके जज्बात है वलवला नहीं है ये वलवला पैदा करते हुए इसको पहचान देते हुए इसको एक खास पहचान देते हुए इस शख्स ने बड़ी कुर्बानियां दी बैठाने के नाखुश मैं ज़ाहिर हिलाही को कभी कह न सका काम उसने कभी समझौता नहीं किया इन हालात से महात्मा गांधी के दोष बदोष महात्मा गांधी के साथ कंधा मिलाकर जब हिंदू मुसलमान पागल हो गए दोनों जज्बात में आ गए हिंदू ने मुसलमान का कत्ल किया मुसलमान ने हिंदू का कत्ल किया बरसगीर जल रहा था हर तरफ धुआं ही धुआं था लाशें ही लाशें थी औरतों की बेइज्जती हो रही थी बेटियों की अस्मतें लुट रही थी लोगों के गर्दने उछाल रहे थे और महात्मा गांधी ने उस वक्त कहा था जब यहाँ से आवाज उठी वो जल रहा था जहां पर आवाज चल रही थी शेर कश्मीर का क्या इरशाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो महात्मा गांधी ने कहा इस गटा टोप अंधेरे में मुझे कश्मीर में रोशनी की किरण नजर आई मेरे दोस्तों हर चीज से ऊपर उठकर इस रोशनी की किरण को आपने जिंदा रखना है आज यहाँ पूरी रियासत के अंदर बाबा कोम का 116वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और बाबा कोम के जो आदर्श असूल और जो उन्होंने यहाँ कारनामे किए हुए हैं वो हम यहाँ पे सभी साथी बता रहे हैं उनके कारनामे दिखा रहे हैं कि उन्होंने जो जो यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ की तरक्की यहाँ की उन्नति यहाँ के गरीबों के लिए यहाँ के मजलूमों के लिए यहाँ के किसानों के लिए यहाँ के व्यापारियों के लिए यहाँ के बच्चों के लिए यहाँ के अनएम्प्लॉयड के लिए जो जो उन्होंने काम किए हैं
वो उन्होंने दिखाए यहाँ बताए हैं और मैं समझता हूँ आज हम सभी लोग उनको याद कर रहे हैं कि बाबा कुंभ जो थे उन्होंने उनको प्यार से लोग शेर कश्मीर भी कहा करते थे। उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर की उन्नति की बात की, जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की की बात की और जम्मू कश्मीर को एक बुलंदियों की तरफ, तरक्की की बुलंदियों की तरफ ले जाने की कोशिश की। यहाँ पे उनको सबसे अजीज़ जो था वो थी कि अनएजुकेशन जो थी उसको वो मिटाना चाहते थे, गुर्बत को मिटाना चाहते थे। यहाँ जो गरीब लोग जिनका इलाज नहीं होता था उनके इलाज के लिए यहाँ अच्छे प्रबंध करना चाहते थे। आपने देखा कि सोरा के अंदर एक आल शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट जो पूरे नॉर्दर्न इंडिया में मैं समझता हूँ बेस्ट है, ये उनकी ही देन है। आज हर गरीब आदमी वहाँ जाके मुफ्त इलाज करवाता है और उन्होंने ही मुफ्त एजुकेशन, मुफ्त इलाज जम्मू कश्मीर के अंदर आज किया था। शेर कश्मीर ने जो काम किए हैं उसको हम आज भी याद करके लोग कहते हैं कि भाई शेर कश्मीर का दौर जो था वो सुनहरी दौर था। उन्होंने आपसी भाईचारे के लिए जो काम किया था, हिंदू मुस्लिम सिख इत्यादि के लिए जो काम किया था वो भी लामिसाल है। आज उसकी सख्त ज़रूरत है। जो नारा उन्होंने 1947 में दिया था शेर कश्मीर का क्या शायद हिंदू मुस्लिम सिख इत्यादि, आज उस इत्यादि को हमें ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। मैं समझता हूँ यही बड़ी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी।